Haji, very good evening. Evidence Act, we are going to start from section 68 to 72. ठीक है, 68 से लेके 72 तक हम section करेंगे. Almost ये भी important है pre point of view as well as main point of view. ठीक है, जो 68 section है basically 60 से बेरेट आपको समझना है, सिर्फ बेरेट की language समझ लो. ठीक है, उससे almost आपके फंडे सारे clear हो जाएंगे. तो section 68 क्या कह रहा है, 68 सेक्शन कह रहा ये 68 की हेडिंग है. ये 68 की हेडिंग क्या है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. व्हाट, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. यहां पर एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है, मींस सिग्नेचर करना. अगर कोई पर्सन कोई डीड लिख रहा है, ठीक है जी, अगर सपोज कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है हमारा, लेटर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो पार्टी है जब तक वो सिग्नेचर नहीं कर लेती उस पर, तो वो इंप्लीमेंट नहीं होगा. ठीक है जी, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मींस सिग्नेचर. जब आपने सिग्नेचर कर ली, दैट मींस आपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया. वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड था, जिसको विटनेस भी साइन करेंगे जिसको. ठीक है जी, सो दिस इज सेक्शन 68. उसकी बेरेट लैंग्वेज में आपको सुना रहा हूं, आप सुन लो. ठीक, इफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपकी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है, इफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन इफ देयर बी एनी अटेस्टिंग विटनेस अलाइव and subject to the process of court and capable of giving evidence. तो यहां पे एक बात आप क्लियर कर लो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है जी, जो ए और बी ने एग्जीक्यूट किया, ये दो पार्टी हैं, ये तो हुआ एग्जीक्यूशन. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन सी और डी, इनकी प्रेजेंस में है, ये बेसिकली कौन है, विटनेस है. जब विटनेस सिग्नेचर करते हैं तो वो उसे हम कहते हैं अटेस्टेड. ठीक है जी, अब 68 क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट. एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मींस ए बी के सिग्नेचर, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मींस सी और डी के सिग्नेचर, जो गवाह है, विटनेसेस है, वो जब सिग्नेचर करेंगे तो वो अटेस्टेड करेंगे. जब पार्टियां सिग्नेचर करेंगी तो वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. अब 68 सेक्शन क्या कर रहा है कि अगर आपको प्रूफ करना है ये डॉक्यूमेंट, 68 क्या कर रहा है, अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, देन द डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस मींस सी और डी. जब तक आप सी और डी के किसी एक पर्सन को कॉल नहीं कर लेते, मींस इन ऑर्डर टू प्रूव दिस डॉक्यूमेंट, what is required under section 68 is to call one witness. यहाँ पे witness कौन है, C और D. ये तो basically party है ना, A और B तो party है, जिनके बीच में contract हुआ है, लेकिन किसके सामने हुआ है, वो C D है. तो laws क्या कह रहा है 68 section की, जब तक आप एक witness को call नहीं कर लेते, जिसे attested किया है, आप उसे call करो, वो ही prove करेंगे इस document को कि हमारे presence में A और B ने execute किया है, signatures किए हैं. तो ये prove करेंगे कब, जब इनमें से कोई भी जिंदा है. ठीक है, यहां पर वर्ड स्पेशली मेंशन कर दिया, इफ देयर बी एन अटेस्टिंग विटनेस अलाइव, अगर कोई पर्सन एक भी जिंदा हुआ तो उसको आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप पेश नहीं कर रहे, सीडी को कॉल नहीं कर रहे, तो ये डॉक्यूमेंट प्रूफ ही नहीं कर सकते आप एज पर सेक्शन 68 इज कंसर्न. तो 68 सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि अगर अटेस्टिंग विटनेस एक भी जिंदा है तो उसको पकड़ के लेके आओ कोर्ट में, वो प्रूव करेंगे कि ए और बी ने हमारे सामने डॉक्यूमेंट में साइन किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट को, वो प्रूव करेंगे. इन केस यहां पर ये रिक्वायरमेंट क्या सीडी की,
वो जिंदा होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए कि वो एविडेंस दे सकते हो. ठीक है, ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्दर प्रोविजो ऐड कर दी, प्रोविजो सेक्शन 68 की इंपॉर्टेंट है. प्रोविजो क्या ऐड कर दी, दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ विल. मींस विल को छोड़ दिया. इस सेक्शन में प्रोविजो में विल को छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं. नॉट बीइंग अ विल वर्ड यूज किया, मींस प्रोविजो कह दिया कि विल को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको एज पर इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत थी. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा, ठीक है जी, जो भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह जब लेते हैं तो डेफिनेटली वो रजिस्टर करवाते हैं. तो लॉ क्या कह रहा है कि विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है कि वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वो कंपल्सरी है, तो लॉ कहता है कि सिंपल सी बात है, देयर इज नो नीड उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है. सीडी को यहां पर कॉल करने की जरूरत नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड है, तो यहां पर सीडी को कॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तहसीलदार के सामने, मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने आपने वो रजिस्टर करवा दिया, देयर इज नो नीड टू कॉल सीएनडी. ठीक है जी, क्योंकि वहां पर विटनेस कौन है, तहसीलदार है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट. ठीक है जी, लेकिन विल अगर वो रजिस्टर्ड है, चाहे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो रजिस्टर्ड भी करवा दिया आपने, तब भी आपको ये विटनेस कॉल करने पड़ेंगे. सिंपल सी बात, विल को छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो जो हमारे आई विटनेस हैं, जो बेसिकली विटनेसेस हैं हमारे, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है. पहली बात, अगर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, अगर वो नॉन रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपको टेस्टिंग विटनेस को कॉल करनी पड़ेगी, वो जिंदा होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए. लेकिन अगर विल है, विल अगर आपके रजिस्टर्ड भी है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, उसके बावजूद भी आपको जो विटनेसेस है वो कॉल करने पड़ेंगे. ठीक है जी, तो ये क्लियर है 68 सेक्शन में कि आपको विल के अकॉर्डिंग, अगर विल है तो विल के अकॉर्डिंग आपको विटनेस तो कॉल करने पड़ेंगे. अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर करवाना, तो डेफिनेटली उसके बगैर आपको कॉल करनी पड़ेगी सीओडी को, विटनेस को कॉल करने. लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड कंपल्सरी है, वो रजिस्टर्ड हो चुका है डॉक्यूमेंट, तो देयर इज नो नीड टू कॉल द अटेस्टिंग विटनेसेस. दिस इज व्हाट सेक्शन 68 सेज. ठीक है जी, आप बेसिकली जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में वो एग्जीक्यूशन और अटेस्टेशन को लेके होती है. पार्टी एग्जीक्यूट करेंगे, जो विटनेसेस है वो अटेस्टेड करेंगे. ठीक है जी, अब यहां पर पंगा पड़ गया. 68 के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट थे उसको प्रूफ किया जाएगा टेस्टिंग विटनेस के जरिए. अब प्रॉब्लम क्या है, जो अटेस्टिंग जो हमारे टेस्टिंग विटनेस है फाउंड ही नहीं हो रहे, मिल ही नहीं रहे. ठीक है जी, जो ए और बी के अंदर डीड हुई थी उसको सिग्नेचर सी और डी ने भी किया था, वो विटनेस थे हमारे, इन्होंने अटेस्टेशन की थी कि हमारे सामने ए और बी ने उसको एग्जीक्यूट किया है. अब प्रॉब्लम है कि इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 68 के अकॉर्डिंग सी या डी दोनों में से एक को तो कॉल करनी पड़ेगी आपको, लेकिन प्रॉब्लम है कि ना तो हमें सी मिल रहा है ना हमें डी मिल रहा है, वो फाउंड ही नहीं हो रहे, मिल ही नहीं रहे. तो सेक्शन 69 क्या कर रहा है, 69 सेज इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट प्रपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इट मस्ट बी प्रूव्ड
that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting as against him, though it be a document required by law to be attested. ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि अगर सी ने सी और डी ने, हम बात कर रहे हैं सी और डी की, जो मिल नहीं रहे, तो यहां पर हम लोग सी और डी का किसी एक पर्सन का सिग्नेचर जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सी और डी का सिग्नेचर ही है, उसकी जो प्रीवियस हैंडराइटिंग्स है, प्रीवियस सिग्नेचर्स है, उसको प्रूव कर देंगे कि सर ये देखो सी के सिग्नेचर ये पहले वाले थे और ये सेम है, दैट मीन्स ये माना गया कि सी के द्वारा ही उसको टेस्ट किया गया था. ठीक है जी, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट दैट एट लीस्ट इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन हिज हैंडराइटिंग. तो आपको अगर सी और डी को अगर आपको कॉल करने के वो नहीं मिल रहे, तो सी के हैंडराइटिंग में कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कर दो कि अगर सी के सिग्नेचर थे, सी के सिग्नेचर जो प्रीवियस सिग्नेचर थे उससे आप प्रूव कर दो कि ये सी के सिग्नेचर ही है. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है जी, ठीक है. एंड द सिग्नेचर ऑफ दैट ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन. अब ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट किए हैं उनके सिग्नेचर भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा. तो ये 69 है कि अगर कोई पार्टी नहीं मिल रही तो उसके सिग्नेचर प्रूफ कर दो. ठीक है जी, देन कम विद सेक्शन 70. बेसिकली 68 इंपॉर्टेंट है काफी. Admission of a party to an attested document. Of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution against him. दो इट बी ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अटेस्टेड. अब ये सेक्शन जो 70 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेंस एक डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, जो एज पर जो अगर ए और बी ने एग्जीक्यूट किया तो ये कंपल्सरी था एज पर लॉ कि दो पर्सन जो थे वो विटनेस होने चाहिए. एज पर लॉ जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो तो दो विटनेस चाहिए हमें. लॉ ऐसा था उसमें, देखिए वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट ही नहीं करवाया गया, मीन्स दो विटनेस को कॉल ही नहीं की गई, सिर्फ ए और बी ने लिख दिया. अब प्रॉब्लम है कि ए ने सूट फाइल कर दिया बी पे और बी ने एडमिशन कर ली कि बेसिकली हम दोनों ने एग्जीक्यूट किया. तो बात करूं, बी खुद ही एडमिट कर रहा है कि वो डॉक्यूमेंट हमने लिखा है, मैं एडमिट कर रहा हूं, तो देयर इज नो नीड. चाहे अगर बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो था वो दो विटनेस उसके चाहिए थे हमारे लिए, अटेस्टेशन जरूरी थी, आप नहीं ये ऑब्जेक्शन ले सकते. You cannot object because you himself admitted the document. अगर आपने document admit कर लिया तो वो जो basically जो provision थी कि हमें दो witnesses जरूरी थे वो बात खत्म हो गई. क्योंकि वो witness क्यों जरूरी थे, ताकि वो प्रूव कर सके कि आप दोनों के बीच में वो document execute हुआ है. अगर आप खुद ही मान रहे हो तो बात खत्म, वो document प्रूफ हो गया. ठीक है जी, am I clear? Now 71 section. यहां पर पंगा पड़ गया. सेक्शन 71 ये कह रहा है प्रूफ व्हेन टेस्टिंग विटनेस डिनाई द एग्जीक्यूशन. मींस अगर ये डॉक्यूमेंट है जो ए और बी के अंदर ए और इन बिटवीन ए एंड बी एग्जीक्यूट हुआ था,
उसमें सी और डी 2% थे जिन्होंने अटेस्टेशन की थी, सिग्नेचर किए थे। सो सी एंड डी आर द टेस्टिंग विटनेसेस। अब डी तो मर चुका था, सी को कॉल किया गया, सी कहता है कि सी ने ड्राई कर दिया कि मेरे सामने ए और बी ने कोई एग्जीक्यूशन नहीं की, सिग्नेचर नहीं किए मेरे सामने, वो डिनाई कर गया। अब पंगा पड़ गया कि अब उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ कैसे करें। दिस इज व्हाट सेक्शन 71 सेज। 71 की है नहीं क्या, प्रूफ कैसे प्रूफ करोगे? जब अटेस्टिंग जो विटनेस था वो डिनाई कर रहा है एग्जीक्यूशन को, तब कैसे प्रूफ करोगे? तो वो सेक्शन 71 है, उसमें क्या दिया गया है, इफ द टेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, जहां वो डिनाई कर रहा है, सपोज डी की डेथ हो गई, सी को कॉल किया गया, सी कह रहा है कि ए और बी ने मेरे सामने कोई सिग्नेचर नहीं किया, दैट मींस वो डिनाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है उसने, रिकलेक्ट, डज नॉट रिकलेक्ट। सी कह रहा है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि ए और बी ने सिग्नेचर मेरे सामने किए कि नहीं किए, वो डिनाई नहीं कर रहा, वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, वो याद नहीं कर पा रहा, वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर वो उसको याद ही नहीं है तो उसको कहेंगे हम रिकलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, ये ओपन हो गया। फिर वो कह रहे हैं फिर इस डॉक्यूमेंट को आप अदर एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। अब अदर एविडेंस मींस ओपन है, सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक आप प्रूफ कर सकते हो। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कोई भी फैक्ट से आप इस डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर सकते हो। पहले तो जो था बेसिकली 68 सेक्शन, वो कह रहा है कि बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है, वो डॉक्यूमेंट जो पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है और विटनेसेस ने अटेस्टेशन किया है, वो डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रूफ किया जा सकता है एक पर्सन को कॉल करके, वो पर्सन कौन है, अटेस्टिंग विटनेस, अदरवाइज वो प्रूफ नहीं कर सकते। 71 कह रहा है कि ओपन कर दो, अगर जो बेसिकली हमारा जो विटनेस है, अटेस्टिंग विटनेस है, अगर वो डिनाई कर रहा है, अगर वो रिकलेक्ट नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम तो आई है, डॉक्यूमेंट कोई ना कोई प्रूफ तो करेगा ना। देन ए और बी दोनों के पास राइट है कि कोई भी एविडेंस देके वो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं, कोई ईमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ था ए ने कि हाँ भी जो हमने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, ठीक है जी, अब मुझे लग रहा है कि मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, अब वो ईमेल जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर अटेस्टिंग विटनेस भी कॉल करे, वो ईमेल प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। जब हमारे विटनेस डिनाई कर रहे हैं या रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अदर विटनेस, अदर एविडेंस के थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हो। दिस इज सेक्शन 71(6). वो कोई भी एविडेंस हो सकता है, ईमेल, कॉल डिटेल्स, ठीक है जी, कुछ भी, लेटर, समथिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या कह रहा है, वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रूफ करोगे जो एज पर लॉ अटेस्टेशन जरूरी नहीं है, मींस विटनेसेस जरूरी नहीं है। 68 से लेके 71 सेक्शन तक वो डॉक्यूमेंट थे जहां पर 2% की अटेस्टेशन होनी जरूरी है। अब 72 सेक्शन वो सेक्शन कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जहां पर बेसिकली रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि दो विटनेस कॉल करो उसको अटेस्टेशन करवाने के लिए, कि वो ये साबित करें कि दो पार्टियों ने हमारे सामने सिग्नेचर किए हैं, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। तो 72 सेक्शन क्या कह रहा है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की जाए पर्सन को कॉल करके, आई विटनेस को कॉल करके, वो अटेस्टेशन जहां पर जरूरी नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करेंगे। सेक्शन 72 सिंपली सेज एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। यहां पर बोर्ड क्या कह रहे हैं, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स जहां पर सिग्नेचर हो गए, अब डॉक्यूमेंट है, ए और बी ने एग्जीक्यूट किया, सी डी ने साइन कर दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो था वो एज पर लॉ जरूरी नहीं था कि अटेस्टेशन करवानी, बट करवा ली, अब करवा ली तो करवा ली,
सेक्शन 72 सेज एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मींस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की बात करें वो डॉक्यूमेंट जहां पर अटेस्टेशन हो चुकी है लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड नहीं था कि उसकी अटेस्टेशन हो एज पर लॉ लेकिन आपने करवा ली अब क्या करें एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वॉज अनअटेस्टेड तो आप मान के चलो कि वो अनअटेस्टेड है ठीक तो आप अदर एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो ठीक दिस इज फॉर सेक्शन 68 to 72 ठीक है जी थैंक यू सो मच